हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, आप समझ ही गए होंगे कि ये कलेडियम है। समर्स में फूल कम होते हैं, लेकिन कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट्स बहुत सारे होते हैं, फॉलेज वाले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो आपके फूलों की कमी को दूर कर देते हैं। कलेडियम उसमें से एक है जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, इसकी कोई खास मेंटेनेंस नहीं है और इसमें बहुत सारी वेराइटी आती है। मेरे पास जो देख रहे हैं आप, ये हैं, एक ये है, एक ये है, और दिखाती हूँ मैं, एक ये है ना, और आप देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, ये निकल आए इसके पास है ना, और एक और है रेड कलर का, एक ये है, ये भी बड़ी मुश्किल से बचा है, मैंने सोचा था मर ही गया, लेकिन इस गमले में लगा हुआ था कहीं और ये उगाया अपने आप। एक ये वाली वेराइटी है, इस तरह से तकरीबन 5-6 कलर के हैं मेरे पास ये, और इनकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, हर साल जैसे ही समर होती है ये ग्रो कर जाते हैं। विंटर्स इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, तो समझिए नवंबर दिसंबर में ये पत्तियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं, आपको लगेगा गमले में कुछ भी नहीं है, है ना, बल्ब भी मर गए हैं, लेकिन वो फरवरी मार्च में फिर से ग्रो कर जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको हम कैसे देखभाल करें समर्स में, जो कि इसका टाइम है, ग्रोइंग पीरियड है, और जिससे कि हमें इसके जो बल्ब मल्टीप्लाई हो कितने अच्छे हेल्दी मिले, जिससे कि हमारे प्लांट और ज़्यादा बढ़ जाएं, और साथ में इनकी क्या स्टेजेस होती हैं। इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ और अभी एक शॉर्ट वीडियो इसके साथ ही मैं रिलीज़ करने वाली हूँ, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फुल सनलाइट में रखे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी सॉइल की, तो इनकी वेल्डन सॉइल ही होना चाहिए, लेकिन इसकी मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे, क्योंकि समर का प्लांट है तो नमी हल्की सी इसे चाहिए ही, और लोकेशन वाइज इसको फुल सनलाइट चाहिए होगी। जो आप इसकी सॉइल बनाएंगे, वेल्डन सॉइल हो, 1 part sand, 1 part compost, 1 part garden soil, आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी, अगर आपके एरिए में थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी आप उसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, जिससे कि पानी इसमें रिटेन रहे, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि पानी रुकेगा तो बल्ब इसका सड़ जाएगा, प्लांट बेकार हो जाएगा बिल्कुल। लोकेशन में मैंने आपको बताया कि इसको आपको फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसके बहुत अच्छे कलर निकल के आते हैं। आप देखिए पत्ते इसके कितने अच्छे बड़े बड़े निकले हुए हैं, है ना, और इसको मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए आप, 8 इंच के पॉट्स हैं, ज़्यादा बड़े पॉट्स नहीं हैं। लगाते टाइम ये है कि थोड़ी गहराई में लगाएं बल्ब, तो उससे क्या होता है कि इसकी जो स्टेम्स होती हैं इनको सपोर्ट मिल जाता है, नहीं तो पत्ते ऐसे लुढ़क पुढ़क होने लगते हैं इधर उधर, थोड़े गहरे लगे होने से ना मिट्टी से इनको सपोर्ट मिल जाता है। अदरवाइज़ आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आसपास 3-4 डंडी लगा के उसको रस्सी से बांध के टैम भी कर सकते हैं। लकड़ी की सपोर्ट लगाने से पत्ते गिरेंगे नहीं तो सीधे सीधे रहेंगे, तो आपको पूरे पत्तों की सुंदरता दिखती रहेगी। बल्ब लगाने के बाद हफ्ता उसको धूप में ही रखना है, और 8-10 दिन में आप देखिए इस तरह से हो जाता है। ये देखिए, ये इसमें बल्ब उग रहे हैं, इसी के ही हैं, है ना, और ये इस तरह से उग गए। 3-4 दिन और लगेंगे और इनके और ऊँचे हो गए, फिर इनके पत्ते खुलने लगेंगे, तो फिर हम उसके कलर्स वगैरह ठीक से देख पाएंगे कि कौन से कलर्स हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो समर्स हैं, फर्टिलाइज़र की फॉलिएज वाले प्लांट्स हैं, तो ज़्यादातर नाइट्रोजन वाली खाद देना चाहिए, तो बेस्ट रहता है कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दें, लेकिन गर्मी बहुत है इस टाइम, तो आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए या फिर कंपोस्ट ही दीजिए। कंपोस्ट ही बनाने का तरीका क्या होता है उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें लिंक, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। और ये जो खाद है महीने में एक बार देंगे, सफिशियंट है, ऐसे में खाद की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। नेक्स्ट आता है पेस्ट वगैरह। तो फ्रेंड्स, बाकी प्लांट्स की तरह इन पे भी पेस्ट लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो इन पे अटैक होता है वो इनको फंगस का ही होता है, कि अगर मिट्टी वेल्ड्रेन नहीं हुई, पानी रुक रहा है, तो बल्ब जो है सड़ जाता है। वेल्ड्रेन सॉइल होता है तो बल्ब अपने आप नीचे से मल्टीप्लाई होने लगते हैं, देखिए पूरे ना मल्टीप्लाई। तो अभी नहीं इनको, लेकिन जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, जो इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, उस टाइम निकाल के हम इन्हें सुखा के अलग रख सकते हैं अंधेरे में, और बाकी या तो फिर उसी गमले में रखा छोड़ दीजिए जिसमें भी लगे हुए हैं, और पानी उसमें आप तभी डालिए कि जब बिल्कुल मिट्टी अच्छे से सूख जाए, तब थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत सारा भर के नहीं डालना है ना, क्योंकि स्लीपिंग टाइम है ये इनका, और फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है स्लीपिंग टाइम है। फरवरी में आप इनको दोबारा लगाइए, गमलों को, गमले तैयार करके बल्ब को दोबारा लगाइए,
तो आपके पास बहुत सारे बल्ब हो जाएंगे, बहुत सारे गमले तैयार हो जाएंगे उन्हीं बल्ब से। और बल्ब लगाने से लेके उनमें लीफ आने तक करीब 20-22 दिन का टाइम होता है, और फिर आपको सबके कलर वलर अलग अलग दिखने लगेंगे। अभी इनका फॉलिएज खूब अच्छा रखने के लिए ये, एक तो ज़्यादा तेज़ हवा में मत रखिए, चलते फिरते उनको ऐसे धक्के मत मारिए, नहीं तो छेद हो जाते हैं पत्तों में, पत्ते कट फट जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। ये देखिए इसमें हो गया है ना छेद, और कोशिश कीजिए पत्ते मुड़े नहीं, टूटे नहीं। ये देखिए रखने वखने में, झाड़ू वाड़ू लगाने में मेट ने ये तोड़ दिया, तो अब ये पत्ता है तो काफ़ी सुंदर, लेकिन ये नीचे गिरा हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर चार डंडी लगा के रस्सी बांध देंगे तो उससे पत्ते वहीं पे ऐसे सिमटे रहेंगे सारे, नीचे गिरेंगे नहीं, है ना। इस टाइप का भी आप पौधा लेंगे तो आपको पौधा तो महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप बल्ब लेंगे तो अभी भी आप बल्ब लगा सकते हैं और 20-22 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा, और फिर आपके चलता रहेगा ये नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक खूब अच्छे ये चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस था कैलेडियम के बारे में, आई होप आपको इससे थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे इसी तरह की नई जानकारी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।